हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? और मैं हूँ शिवली। मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग है जो डेली बेसिस पे होता है उसी को लेकर मैं वीडियो बनाई। और मेरा ये नया चैनल है, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों के फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बता दूँ, थोड़ा पक्षी का साउंड आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मेरे घर के पास पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो जिसके चलते पक्षी का साउंड आप लोगों को लगेगा, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर करना। और ये तो नेचुरल चीज़। और आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, अब धूप में निकला है तो मैंने बहुत सारा कपड़े डाली है बाहर। और आज मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद इतना अच्छा दिन मिला है। तो कुछ बनाई वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने शावर ले लिया है और अभी मैं बैठी हूँ थोड़ा तैयार होने। नहाने के बाद तो थोड़ा सा तैयार होना बनता है ना। तो फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। मैं ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ लेकिन आज थोड़ा गर्मी लग रही है तो इसीलिए मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा क्रीम और एलोवेरा जेल स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, सभी को पता है, तो इसीलिए मैं अब मतलब लगाने वाली हूँ क्रीम जो कि डे क्रीम है। और सनस्क्रीन मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ना बहुत गर्मी लगती है। और जब बाहर जाती हूँ तब तो मैं यूज करती हूँ लेकिन घर में कभी कभार ऐसे जिस दिन बहुत गर्मी लगती है ना उस दिन मैं स्किप कर देती हूँ सनस्क्रीन। और आजकल मैं वीडियो बनाती हूँ तो जिसके चलते मैं कभी कभार क्रीम लगा लेती हूँ लेकिन डेली रूटीन में तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और ईयर में मुझे ना बहुत दर्द होती है, मेरा जो टॉप है ईयर रिंग है उससे, तो इसीलिए मैं अभी पहनना छोड़ दिया है और बाहर भी नहीं जाना होता है तो इसीलिए। और अभी मैं अप्लाई करूँगी काजल, ये मेबलिन का काजल है और काजल मुझे बहुत ही पसंद है। मेकअप की जो भी सामान है ना उसमें आप मुझे पूछोगे कि आपका फेवरेट कौन सी चीज़ है, मैं तो काजल ही बोलूँगी, काजल और लिपस्टिक। मेरे पास ये दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ नहीं हो तो भी चलेगा। अभी मैं स्टे कॉर्की का जो लिपस्टिक है ना मिनी लिपस्टिक वो अप्लाई करूँगी। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये लिपस्टिक मुझे मिला है। और गाइस बता दूँ, ये बहुत ही मैट लिपस्टिक है और बहुत ही अच्छा है लिपस्टिक। मैं कुछ दिनों से इस लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप इसे ज़रूर मतलब बाय कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर भी है। ये न्यूट कलर मैंने चुना है क्योंकि ना डार्क मैंने टी शर्ट पहनी है और घर में ही रहना है, बाहर तो नहीं जाना है, तो इसीलिए मैंने न्यूट कलर यूज़ कर रही हूँ। ये मैट लिपस्टिक है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, आप लोग बाहर भी इसे अप्लाई करके जा सकते हो और कुछ देर बाद एकदम ड्राई हो जाता है तो चिपचिपा नहीं रहता है, अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये साइज में छोटा है, इसका एक फ़ायदा है क्योंकि ना आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं आसानी से। और इसका और एक फ़ायदा है कि इसको आप
पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। जो बड़े साइज का लिपस्टिक होता है वो पूरी तरह से हम यूज नहीं कर पाते हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगा ये वाला लिपस्टिक। और आजकल मैं इस तरह का छोटे साइज का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, NYA का और ये स्टे करकी का। मैंने कुमकुम भी लगा लिया है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जो कि आज मैं बनाऊंगी वर्मीसेली यानी सेमिया या सीमोई जो भी आप बोलते हो। तो मैंने 1 टीस्पून घी लिया है और ये मेरा होममेड घी है, मैं घर पे ही बना लेती हूँ, कभी भी बाहर से ख़रीदा नहीं घी, क्योंकि ना बहुत सारे मलाई निकलता है तो इसलिए घी का मतलब बाहर से ख़रीदने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मैं और मेरी डॉटर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस निकल गए हैं और उनका ब्रेकफास्ट चाय वगैरह जो भी होता है वो सब हो गया है। तो मेरी डॉटर को पसंद है वर्मीसेली, कभी कभी वो खाती है, तो बहुत दिन से पड़ा था तो मैंने सोचा आज वर्मीसेली बना देते हैं, क्योंकि ना ज़्यादातर ये मतलब यूज़ नहीं होता है और ऐसे ही रहने देती तो ये ऐसे ही पड़ा रहता, तो इसीलिए मैंने सोचा बना दूँ आज। और अभी मैं पानी ऐड कर दिया है और डिटेल में मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, सभी को पता है कैसे बनाते हैं। तो और इसमें मैं ड्राई फ्रूट ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है वो, नहीं तो ऐसे सारे ड्राई फ्रूट को अलग कर देगी और ऐसे सिर्फ वर्मीसेली खाएगी, तो इसीलिए मैंने बोला हम दोनों ही खाने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है ड्राई फ्रूट को। मेरे हस्बैंड खाते तो मैं ऐड करती। और रेडी हो गया मेरा वर्मीसेली ब्रेकफास्ट। और अभी मैं जो आज सब्ज़ी लिया है उसे क्लीन कर रही हूँ, और सब्ज़ी भी बनानी है तो मैंने सोचा साथ में सारे सब्ज़ी को मैं सब कर दूँ। और मैंने सोसाइटी से ही सब्ज़ी लिया है, सब्ज़ी वाला आते हैं और आप लोगों को पता है ये 150 रुपये का मेरा सारा सब्ज़ी है, जो कि ये कॉलीफ्लावर 30 रुपये का, नींबू है 15 रुपये का, और जो अरबी देख रहे हैं वो 20 रुपये का, सब 250-250 है। और एक बैगन लिया है वो है 30 रुपये का, वो 500 ग्राम भी नहीं है। और इस तरह से सारे चीज़ इतनी महंगी हो गई है और अभी बारिश की वजह से शायद ज़्यादा महंगा हो गया है सब्ज़ी, और ज़्यादातर सब्ज़ी आता भी नहीं है, कुछ कुछ सब्ज़ी आ रहा है मार्केट में तो वो लोग वही ला रहे हैं, तो कोई बात नहीं जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। और यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है, बहुत दिन से लगातार बारिश हो रहा है, आज ही थोड़ा सा धूप निकला है। तो
अभी हम लोग लंच करने वाले हैं, मैं और आद्या और मेरे हस्बैंड आज ऑफिस से घर मतलब लंच करने नहीं आए हैं, उनका लंच पे ब्रेक रहता है तो नहीं आए हैं, थोड़ा ज़्यादा काम है बोल के। तो कोई बात नहीं, मैंने बोला ठीक है आपको, आप शाम को ही आना। और मैंने टिफ़िन भेजने की भी बात की, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं टिफ़िन भेजने का ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगी थोड़ा जल्दी करके। और पास में ही है उनका ऑफिस, कभी कभार ऐसे ज़्यादातर ज़्यादा काम होता है तो फ़ोन करके बोल देते हैं, या फिर घर पे मैंने मुझे रात को ही बोलते हैं कि मैं कल नहीं आ पाऊँगी लंच करने। तो मैं सुबह ही कुछ ऐसे टिफ़िन बना देती हूँ जो कि लंच ब्रेक में लंच कर सकते हैं। और ऐसा मतलब आज पता ही नहीं था कि इतना मतलब उनको टाइम नहीं मिलेगा खाने के लिए। आज है गणपति विसर्जन, मेरे सामने जो भैया भाभी रहते हैं आप देख सकते हो, जो मतलब गणपति जी को पकड़े हैं वो भाभी, मैं उनको भाभी बुलाती हूँ क्योंकि ना उनके हस्बैंड को भाई बोलते हैं तो इसीलिए। और अभी फोटो सेशन चल रहे हैं और गणपति जी को थोड़ा घुमाएंगे सोसाइटी। और इस बार तो मतलब एकदम सिंपल तरीके से पूजा हुआ है, लास्ट टाइम बहुत अच्छे से मतलब गणपति पूजा हुआ था। और विसर्जन के दिन खाना भी रखते थे, खिलाते थे सोसाइटी वालों को। और हम लोग डांडी जाते थे विसर्जन करने गणपति जी को, और मतलब 3 दिन तक धूमधाम से पूजा होता है, आरती होती है। और इस बार एकदम सिंपल तरीके से पूजा हुआ और गणपति जी को आज घर पे विसर्जन करने वाले हैं। और ये देखिए सोसाइटी घूमने चले गए गणपति जी और अभी घूम के आ गए हैं। तो और इसी साल इन लोगों का लास्ट पूजा था, शायद कुछ मन्नत होगा तो लास्ट ईयर था तो इसीलिए इनको रखना पड़ा, नहीं तो इस साल तो सोसाइटी में भी पूजा नहीं हुआ है। गणपति विसर्जन के बाद शाम को हम लोग आ गए हैं टेरेस पे खेलने के लिए, आद्या को थोड़ा खेलना है और वो तो नहीं गई गणपति विसर्जन करने, तो मैं ही गई थी अकेली, तो इसीलिए मेरा पिक्चर भी आप लोगों ने नहीं देखे होंगे वीडियो में भी।
मैं वीडियो बना रही थी और मेरे आसपास ना आजकल इतने सारे चिड़िया क्रो घूमते रहते हैं और इतना आवाज़ करते हैं कि क्या बताओ। यहाँ पे वो जो मैंगो ट्री है ना, मैंगो ट्री में तो बहुत सारे पक्षी रहते हैं और मेरे साइड में भी एक करी पत्ता का गाछ मतलब पेड़ है, उसमें भी बहुत सारे चिड़िया रहते हैं तो बहुत आवाज़ करते हैं। तो आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा इग्नोर कर लेना। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ना वॉइस ओवर देने में, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर नाइट में वॉइस ओवर देती हूँ। और इसलिए तो मैं फ्रंट टू फ्रंट बात भी नहीं कर सकती हूँ, इतना साउंड होता है ना बाहर से। तो इसीलिए और सुबह के टाइम सोचती हूँ वॉइस ओवर देने के लिए, लेकिन सुबह के टाइम तो बर्ड्स ज़्यादा मतलब साउंड करते हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों को कैसा लगेगा? वीडियो में तो ये सब मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए मुझे बहुत मतलब मुश्किल होता है। इसीलिए मैं वीडियो मतलब कुछ टाइम पे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि ना टाइम पे मेरा वीडियो बनती नहीं है, रेडी नहीं कर पाती हूँ। और ये देखिए मेरा किचन गार्डन की पपैया जो कि दो पक गया है और एक मैंने कच्चा लिया है सब्जी बनाने के लिए। और ये देखिए बहुत सारे पपैया है और ये पहली बार मेरा पपैया मतलब निकला है किचन गार्डन से, इसके पहले नहीं था। और ये ट्री का शायद एज भी हो गया है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा क्योंकि ना ये सारे पपाया इतने छोटे छोटे बड़ा नहीं होता है। पहले बहुत बड़े बड़े साइज का पपाया होता था, तो अभी लग रहा है शायद ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। और बहुत बारिश भी हुआ है ना, तो ट्री का कलर भी चेंज हो गया है, येलो येलो टाइप का हो गया है पत्ते। और ये मेरा कपड़ा सुखाने का स्टैंड है और ये नारियल का ट्री है। और मैं थोड़ा सा आज का जो वेदर है वो दिखा दूं, और अभी शाम होने को जा रहा है और ये है मेरा घर का साइड व्यू। यही था आज का वीडियो, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना और आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। तो फिर मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बाय।